वेलकम वेलकम टू इंफोटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है कुछ खास और वो है सीटी के ऊपर में। सीटी 2019 के लिए आपको फॉर्म भरना है, यानी सीटी के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको करना क्या होता है उसकी सारी डिटेल और फॉर्म किस तरीके से भरा जा सकता है, उसके अंदर में क्या क्या आपको फिलअप करना है, कौन सी वेबसाइट पे जाकर आपको फॉर्म भरना है, उसकी सारी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म भरने की जो प्रोसीजर है वो कैसी है। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे, क्योंकि यहाँ दी जाती है कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, मोबाइल से रिलेटेड होती है और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की अनबॉक्सिंग भी हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाना है आपको इस वेबसाइट के ऊपर में और ब्राउजर बटन पर क्लिक कर दे। वहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद में इस तरीके से ऑप्शन आपको दिखाई देने लगे हैं, यानी न्यू जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको एक ब्राउजर मिलता है, इन्फॉर्मेशन ब्राउजर, जहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई कि फॉर्म किस तरीके से भर रहा है, फॉर्म फिलअप करने की क्या प्रोसीजर है। ये एक बेसिक चीज़ है जिसके अंदर में ये बताया गया है पीडीएफ फाइल में कि आपको फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। तो आगे हम देख लेते हैं एक फॉर्म भर करके किस तरीके से फॉर्म भरा जा सकता है। हमने जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, ओके के बटन को क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप अपना आधार नंबर वहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपका आधार नंबर है। आधार नंबर का मोबाइल से लिंक होना ज़रूरी है। उसके बाद में एक्सेप्ट एग्रीमेंट करेंगे, ओके करेंगे तो वहाँ पे एक ओटीपी सेंड हो जाएगा और ओटीपी सेंड होने के बाद में आपको जो है वो ओटीपी नंबर आपको डालना है नीचे ब्लॉक में, जहाँ पे आपको ओटीपी का नंबर दिखा रहा है कि ओटीपी नंबर डालो वहाँ पे। डालने के बाद में आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होता है, जिसके थ्रू जो है आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। अभी प्रोसीजर शुरू होती है, फिर यहाँ पे आपको जो है आपकी पूरी डिटेल आधार से ऑटोमेटिकली आ चुकी होगी और वहाँ पे आपको डालना है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाले बाद उसका एक ओटीपी आ जाएगा, वो ईमेल आईडी पासवर्ड ओटीपी डाले बाद में आपको आगे का फॉर्म को फिलअप करना है, जहाँ पर आपको डालना होता है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन। ईमेल आईडी और मोबाइल पे ओटीपी डालने के बाद में आपको डालना है आपकी पूरी डिटेल, यहाँ पे जो एड्रेस वगैरह आ चुका है। अब जो है आपको डालना होता है वहाँ पे आपका फादर का ईमेल, अगर आप डालना चाहते हैं तो वो आप क्लिक करके फादर का ईमेल आईडी डाल दें और नेक्स्ट आपको जो है आगे बढ़ना है, जिस पे आपको यूज़र आईडी पासवर्ड आपको डालना होता है। यूज़र आईडी जो है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर ले और पासवर्ड जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और उसको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके से आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना होता है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद में लॉगिन हो जाएगा। अब जो है ये लॉगिन होने के बाद में, यानी जैसा कि हम यहाँ पे फिर से देख ले रहे हैं कि ईमेल आईडी हम डालते हैं और उसे रजिस्टर करते हैं तो सेंड ओटीपी का मैसेज आ चुका है। ये ओटीपी ईमेल का जो है ओटीपी यहाँ पे हमें डाल देना है और रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है। फिर से हमने डाल देना है ओटीपी, यहाँ पे हम डबल से इसलिए बताया ताकि आप ओटीपी प्रॉपरली डाल सके और उसके बाद में आगे फॉर्म आपका बढ़ता है। रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद में जब हम रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दें, यानी इस तरीके से आपका फॉर्म आ चुका है, पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है, सारी फील्ड को आपने पूरी तरीके से फिल कर दिया, तो उसके बाद में जो है आपको ये देखिए सक्सेसफुल का मैसेज ओटीपी सक्सेसफुल डन आपको बता दिया। रजिस्टर बटन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं या फिर आपको फादर का ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है तो वो हम डाल सकते हैं, नहीं है तो आपने उसे जो है चेकमार्क को नहीं लगाना है और रजिस्टर बटन पर क्लिक कर दे। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद में आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है याद रखना है कि यूज़र आईडी आपने क्या डाला था और पासवर्ड आपने क्या डाला है। उसके बाद में आप यूज़र आईडी पासवर्ड डाल देना है, जैसा कि जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड हो, यहाँ पर हम लिख रहे हैं यूज़र आईडी पासवर्ड, थोड़ा सा ब्लर में आपको दिखाया जा रहा है क्योंकि ये सिक्योरिटी रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे होता ही है कि कोई भी मिसयूज़ भी कर सकता है इस आईडी पासवर्ड का या फिर मोबाइल नंबर वगैरह का। तो दोस्तों अगर जो भी हमारा इस वीडियो देख रहे हैं तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बनाया जा रहा है, तो किसी के नंबर का मिसयूज़ ना करें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे पहले एक फॉर्म के ऊपर में हुआ ये कि कुछ लोगों ने उसका मिसयूज़ किया है। आप यूज़र आईडी पासवर्ड डाले बाद में कैप्चा कोड आपको डाल देना है, कैप्चा कोड डाले बाद क्लिक करना है और उसके बाद में इस तरीके से आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, यानी इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा, वहाँ पे आपको फिल अप फॉर्म बटन पे क्लिक करना है। फिल अप फॉर्म बटन पे क्लिक करने के बाद में आगे की प्रोसीजर पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे टर्म्स और कंडीशन दी गई है, ओबीसी के लिए क्या है वो सारी इन्फॉर्मेशन, ओपन के लिए क्या है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, फिर उसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में ये फॉर्म आपका आ चुका है। अब ये फॉर्म को आपको प्रॉपरली फिलअप करना है ताकि आप उसके अंदर गलती ना करें। एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब कभी भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो 10th क्लास के रिजल्ट के ऊपर में जिस तरीके से मार्कशीट पे नाम लिखा हुआ वही आपको डालना है, ना कि दूसरा नाम डालें।
उसका परमानेंट एड्रेस जो है आपका वो आपको डाल देना है, क्योंकि जो है करस्पॉन्ड एड्रेस तो ऑटोमेटिकली आधार से आ चुका है आपके मोबाइल के आपके इस फॉर्म के अंदर में, लेकिन आगे करस्पॉन्ड परमानेंट एड्रेस आपको डालना होता है। अगर सेम है तो हम चेक मार्क लगा देंगे। करस्पॉन्ड एड्रेस लिखने के बाद उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद में सेम एड्रेस है तो चेक मार्क लगा देना है। चेक मार्क लगा दिया, आगे आपको बढ़ना है फॉर्म के ऊपर में। परमानेंट एड्रेस डाले बाद में जो है नेक्स्ट ऑप्शन होता है अदर डिटेल, जहाँ पे आपको नेशनलिटी वगैरह डालनी है। आपकी नेशनलिटी इंडियन है तो यस हम वहाँ पे कर देते हैं। महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट है आपका डोमिसाइल तो यस हमने कर देना है। कास्ट आपकी ओपन है ओबीसी है, जो भी कास्ट है वहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको कास्ट कौन सी है ओपन में मुस्लिम तो मुस्लिम हमें वहाँ पर डाल दिया, जो भी आपकी है कास्ट वो हम डाल दें। पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो हमने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है उसको यस और नो, जम्मू कश्मीर या झारखंड से हम बिलोंग करते तो यस कर दे आप, वो यस और नो जो आपको करना है। एनुअल इनकम आपका एक फादर का कितना है वो वहाँ पे आपको डाल देना होता है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद में जो है आगे की प्रोसीजर आपको करनी होती है, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब जो है नेक्स्ट प्रोसीजर होती है आपकी सिंपल, आपके डिटेल बैंक अकाउंट की डिटेल वहाँ पर डालनी होती है कि बैंक अकाउंट आपका कौन सा है, बैंक में आपका जो अकाउंट है वो किस नाम से है, यानी अकाउंट होल्डर का नाम आपको वहाँ पे डाल देना होता है। अकाउंट होल्डर का नाम डाले बाद में आपको जो है बैंक कौन सा है वो आपको डालना है। नेक्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर में क्या आपका अकाउंट नंबर क्या है, यानी जो बैंक की डिटेल हम वहाँ पे डालते हैं आईएफएससी कोड वगैरह, डिस्ट्रिक्ट ब्रांच वगैरह, जो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई फील्ड दी गई है उस सारी फील्ड को आपको फिलअप करना है, ताकि आप प्रॉपरली उसे सही तरीके से आपको जो स्कॉलरशिप जो आने वाली होंगी, यानी आपका एडमिशन अगर टेक्निकल कोर्स में होता है तो आपको स्कॉलरशिप आएंगे और इसी बैंक अकाउंट से आप लिंक रहा तो बेटर है, बाद में आपको इश्यू नहीं आएगा। अकाउंट सेविंग है तो वहाँ पे सेविंग अकाउंट हमने कर देना है। ब्रांच जो है वो ब्रांच प्रॉपरली आपने वहाँ पर डाल देनी है, जो भी आपकी ब्रांच है बैंक की ब्रांच, सेविंग अकाउंट, उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर आपको डालना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है। उसके बाद में आईएफएससी कोड आपको वहाँ पे डाल देना होता है। इस तरीके से वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, लेकिन आपको समझने के लिए पूरी तरीके से समझाया जा रहा है, ताकि आप प्रॉपरली फॉर्म को फिलअप कर सके, इसमें कोई गलती ना हो। क्योंकि वहाँ पे आपको 800 रुपये फीस भरनी है ओपन में अगर आप है तो, और कैटेगरी में है तो आपको कम पैसे भरने हैं, लेकिन आपको जो है आपके फॉर्म में अगर गलती होती है तो वहाँ पे आपके लिए इशू हो सकता है, वो पैसे जो है आपके रिटर्न नहीं होंगे। अब जो है आपको यहाँ पे डालना है आपकी कोर्स डिटेल, यानी एसएससी आपने कहाँ से किया, सीबीएसई पैटर्न से किया है कहाँ से किया, कौन से ईयर में किया, तो ईयर आपको वहाँ पे डाल देना है। परसेंटेज नेक्स्ट आपको डालना है, परसेंटेज कौन सा है, कहाँ से आपने किया, महाराष्ट्र से किया है कि महाराष्ट्र के बाहर से किया है, वो आपको डाल देना है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आपको डालना होता है, जैसे कि यहाँ पे महाराष्ट्र हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हमने सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद में तालुका भी सिलेक्ट करना होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपके स्कूल का नाम, यानी आप जिस स्कूल से आपने पढ़ाई किया है वो स्कूल का पूरा नाम वहाँ पर डाल दे, ताकि आप स्कूल का एड्रेस वगैरह तो नहीं डालना है, लेकिन सिर्फ अगर यवतमाल है तो यवतमाल, नागपुर है तो नागपुर, सेंट्रलाइसेस नागपुर, सेंट्रलाइसेस इंग्लिश मीडियम यवतमाल नागपुर, जो भी है वो आप वहाँ अपने हिसाब से वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में एचएससी आपका अपियरिंग है, यस हमने कर देना है, कौन से बोर्ड से है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट के तीन ऑप्शन दिए गए हैं, उस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको जो है जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको याद रखना है कि किस तरीके से हमने वहाँ पे कोर्स के ऑप्शन वहाँ पे डाल देने हैं। कोर्स के ऑप्शन के अंदर में आपको अगर फर्स्ट इंजीनियरिंग लेना है तो इंजीनियरिंग आप ले सकते हैं, फार्मेसी ले सकते हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, जो भी ऑप्शन आपको वहाँ पे लेना है वो आप वहाँ पे से आसानी से लेकर डिटेल डाल सकते हैं। जैसा कि हमने वहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट की सेंट्रलाइसिस वगैरह स्कूल के नाम पूरा डाल दिया, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम नाम या कॉलेज का नाम डाल रहे हैं तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो करें, ताकि आप जब नाम लिखते हैं तो उसका पूरी तरीके से नाम सही हो। अगर हम वहाँ पे गलत नाम टाइप कर दें तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन दिया गया फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, अगर आपका बायोलॉजी था तो आप बायोलॉजी सिलेक्ट कर लें, मैथ्स था तो मैथ्स सिलेक्ट कर लें, आपका दोनों था तो आप दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आप एलिजिबल हो सके इंजीनियरिंग के। मैथ्स लेते तो इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल होंगे, और बायोलॉजी और मैथ्स अगर आप लेते हैं तो आप फार्मासी के लिए, फिशरी वगैरह के लिए भी एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे सेंटर आपको देना है,
यानी सबसे उससे पहले आपको देना है कि आप पहला कोर्स, यानी तीन ऑप्शन आपको वहाँ पे दिए जाते हैं, वो तीन ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। पहला फार्मेसी लेना है, इंजीनियरिंग लेना है, फिशरी लेना है, जो भी आप लेना चाहते हैं पांच ऑप्शन में से तीन ऑप्शन वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वन बाय वन ऑप्शन आपको लेना है, जैसे हमने यहाँ पे पहले ले लेते हैं इंजीनियरिंग, और नेक्स्ट ऑप्शन इंजीनियरिंग के बाद फार्मेसी ले लेते हैं, जो भी आपको आपके हिसाब से सेलेक्ट करना है कि किस में आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं। ये जस्ट जब कोर्स आप जब पेपर दोगे तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको आएंगे, ताकि आप जो है उस कोर्स में एलिजिबल हो सके। अगर आप फिशरी लेते हैं और इंजीनियरिंग छोड़ दिया आपने, बाद में इंजीनियरिंग में लेना चाहते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसलिए आप जब कभी भी सिलेक्शन ले, तीनों ऑप्शन जब सिलेक्ट करें तो प्रॉपरली ले, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले, उसके बाद में एक्सेप्ट एग्रीमेंट सेलेक्ट कर कर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है वहाँ पे सबमिट, तो सबमिट बटन पे क्लिक कर दे। अगर गलती करते हैं तो हमने रिसेट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे हमें क्लिक करना है सारे ऑप्शन फिलअप करने के बाद में, और चेक मार्क लगाना ज़रूरी है, डिस्ट्रिक्ट आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। यानी अगर आप यवतमाल में पढ़ना चाहते हैं, जहाँ भी पढ़ना चाहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर ले और चेक मार्क लगा ले, और उसके बाद में सबमिट बटन पे क्लिक कर कर ओके करना है आपको। ऑप्शन हम अपने हिसाब से सोच कर ले, ताकि उसमें गलती ना हो, क्योंकि गलती होती है तो हम वो फॉर्म दोबारा नहीं भर पाएंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन को रीड कर ले, ताकि हमने कोई गलती अगर की है तो उसको हम प्रॉपरली देख सके, और सबमिट कर कर ओके बटन पर क्लिक कर दें। जब हम ओके बटन पर क्लिक कर दें तो सक्सेसफुल का एक मैसेज आपको आ जाएगा, जिसमें होगा प्रोफाइल सक्सेसफुली। उसके बाद में आपको जो है कर्सर को नीचे ले आके पूरी तरीके से फील्ड को चेक कर ले, सबमिट बटन पर फिर एक बार क्लिक कर दे, नहीं तो यहाँ पर नीचे पढ़ ले कि आपका सबमिट हुआ है। अगर सबमिट हुआ है तो फिर आप ऊपर जाए और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको जाना है, और वहाँ पे फोटो अपलोड का ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलेगा। ये देखिए फोटो अपलोड का ऑप्शन वहाँ पे आपको दिख रहा है। अब जो है यहाँ से आपको फोटो और साइन को अपलोड करना है। फोटो साइन का साइज़ जो है प्रॉपरली उसके ब्राउज़र में पढ़ ले कि कितना आपका फ़ोटो साइन का साइज़ होना चाहिए, और उसके बाद में फ़ोटो साइन अपलोड कर दें। अपलोड होने के बाद में आपको यहाँ पे बैंक से अगर चालान भरना है तो चालान के थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप चालान नहीं भरना है तो ऑनलाइन पेमेंट भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट भी आप वहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट को बटन पे क्लिक करना है। आपको कार्ड, आपका एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जो भी आपका कार्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में जो है आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है। इस तरीके से पेमेंट जब ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे आपको वेट करना है, ओटीपी आपको आएगा, कार्ड की डिटेल आपको वहाँ पे डालनी होगी। कार्ड की डिटेल के साथ साथ में आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। पेमेंट ट्रांसफ़र होने के बाद में ओके बटन का ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलेगा। ओके आपको वहाँ पे कर देना है, और वहाँ पे कुछ देर वेट करना है, ताकि आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरीके से वेबसाइट से आपके लॉगिन के अंदर में आ सके। अब जो है आप फिर से आपके लॉगिन पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमने ओके करना है यहाँ पे इस बटन को, और जो फॉर्म पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से प्रिंट बटन पे क्लिक करना है। यानी ये जो आपका पहला जो प्रिंट होगा वो आपके पेमेंट का प्रिंट आउट होगा, और उसके बाद में नीचे में दिया गया है आपके फॉर्म का प्रिंट आउट। फॉर्म बटन पर क्लिक करके आप फॉर्म का प्रिंट आउट आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, फॉर्म पर हमने क्लिक किया और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो इस तरीके से आपका प्रिंट आउट आपका निकल जाएगा। और फिर जो हॉल टिकट वगैरह की डेट है वो आप वेबसाइट पे प्रॉपरली पढ़ ले। इस तरीके से हमने जो है फॉर्म को फिलअप करना है, फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू।